ओमुआमुआ। इंसान द्वारा देखा गया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जिसे 1I/2017U1 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हवाईयन वर्ड है जिसका मतलब है फर्स्ट टाइम विजिटर फ्रॉम फार अवे, यानी पहला मेहमान जो कि बहुत दूर से आया है। 19 अक्टूबर 2017 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट वियर्क ने हलियाकाला ऑब्जर्वेटरी के पैन स्टार्स टेलीस्कोप से ओमुआमुआ को पहली बार ऑब्जर्व किया था। इस खोज के ठीक 40 दिन पहले ही ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सूरज के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट से गुजरा था। जब इसको पहली बार देखा गया तब ये पृथ्वी से करीब 35 करोड़ किलोमीटर दूर था। ये अनजान ऑब्जेक्ट आखिर क्या था और इसको किसने भेजा था, इसके बारे में साइंटिस्टों को कुछ भी नहीं पता था। साइंटिस्टों के मुताबिक ये एक रेड कलर्ड 2000 मीटर्स लंबा एक पत्थर का टुकड़ा था। किसी ने इसे एस्ट्रॉयड बताया तो किसी ने एक कॉमेट, लेकिन एक्चुअली में ये आखिर है क्या? तो कहीं मत जाइए, आज का ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के लिए क्यूरियस है तो क्यों ना आप साइंस स्कोप को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं। तो मैं हूं देवाशीष, चलिए जान लेते हैं। इंसान ने पहली बार कॉमेट्स का खोज किया जिसका नाम दिया गया था द न्यूटन्स कॉमेट। पहले इन कॉमेट्स का नाम उनको खोजने वालों के नाम पे ही रखा जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत ही डेवलप हो चुका था और बहुत सारे कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स को देखे जाने के बाद इन सबको इनको देखे जाने का टाइम, ईयर और इनका टाइप को ध्यान में रखकर ही इन चीज का नाम रखा जाने लगा, जैसे C/2018G1। यहाँ पर C यानी कॉमेट, A यानी एस्टेरॉयड, 2018 यानी जिस साल उसको ऑब्जर्व किया गया था, और लास्ट डिजिट का मतलब है हाफ मंथ। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जिससे मंथ और डेट को इंडिकेट किया जाता है, और आखिरी नंबर से पता चलता है कि कितने सारे कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स को ऑब्जर्व किया गया था। पहले साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को एक कॉमेट समझा और इसका नाम दिया गया C/2017U1। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम था, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कॉमेट्स सन के करीब आता है तब उनमें जमा स्नो एवेपोरेट होने लगता है और एक लंबी टेल को बनाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसके बाद इसका नाम बदल कर रखा गया A/2017U1, यानी ये एक एस्टेरॉयड था। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को इसको लेकर क्यूरियोसिटी अभी भी बरकरार था, क्योंकि सूरज से निकलता हुआ रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिफ्लेक्शन कभी कम हो रहा था और कभी ज़्यादा हो रहा था। ऐसा तब भी होता है जब एस्टेरॉयड टर्मनिंग मोशन पे होता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसके बाद जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उसका ऑर्बिट एलिप्टिकल या सर्कुलर होता है, जिसके वजह से वो प्लैनेट्स सूरज को चक्कर लगाता है, लेकिन इस ओमुआमुआ का ऑर्बिट सर्कुलर या एलिप्टिकल ऑर्बिट नहीं था, बल्कि इसका ऑर्बिट एक पैराबोलिक एस्केप ऑर्बिट था जो कि हमारे सूरज के ग्रेविटी से बंधा हुआ नहीं था, और ये कहीं और से आया था। और एस्ट्रोनॉमर्स को जब पता चला कि ये एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है तब उन्होंने इसका नाम बदल के रख दिया 1I/2017U1, जहां पर आई का मतलब था इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का पाथ को सिमुलेट करने के बाद पता चला कि ये लायरा कॉन्स्टेलेशन का वेगा स्टार के डायरेक्शन से आया था। जब ये हमारे सोलर सिस्टम में इंटर किया तब इसका स्पीड था करीब 26 किलोमीटर पर सेकंड, और इसके वजह से ही
सन का ग्रेविटी का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं हुआ और इसके वजह से ही ये भी प्रूफ हो गया कि ये ऊंट क्लाउड का हिस्सा भी नहीं था और ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया था और अभी ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है। लेकिन शमूएल बाइले और अब्राहम लोएब नाम का दो एस्ट्रोनॉमर्स ने बताया कि ये ओमुआमुआ शायद एक एलियन स्पेस प्रोब हो सकता है, जैसा कि हमने भेजा था वोयेजर 1 और वोयेजर 2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एनीवे, लेकिन बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस के बाद ये कंक्लूजन निकला कि ये कोई एलियन स्पेस प्रोब नहीं था, लेकिन ये शायद कोई स्पेस प्रोब का टुकड़ा हो सकता था। लेकिन शॉकिंग न्यूज ये है कि इस थ्योरी का किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इससे निकल रहा कोई भी सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। शायद ये एक इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या ये सही में एक पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था? शायद नहीं, क्योंकि शायद ऐसा बहुत सारा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सामने से निकल जाता है लेकिन हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमें ये तो पता चल ही गया है कि ओमुआमुआ कोई कॉमेट नहीं था, बल्कि ये एक इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड था और ये अभी हमारे सोलर सिस्टम से दूर जा रहा है और ये पेगासस कॉन्स्टेलेशन की ओर जा रहा है और 2022 तक ये नेपच्यून को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन अक्टूबर 12, 2019 में हबल टेलीस्कोप ने और एक इंटरस्टेलर कॉमेट को डिटेक्ट किया जिसका नाम दिया गया C/2019Q4। इसको 2I/Borisov के नाम से भी जाना जाता है। तो शायद आगे ऐसे ही किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हम डिटेक्ट कर पाएं और क्या पता शायद हमें किसी ना किसी दिन कोई एलियन प्लैनेट से मैसेज भी मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस के किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कोप के साथ।